बीजेपी ने तो पूरा ही पूरे दिल्ली का ही बेड़ा गर्क करके रखा। झाड़ू लगाने को इसलिए नहीं आता, बहाना बना देते कि छोटी गलियां हैं। जब छोटी गलियों में नेता वोट मांगने आ सकता है तो झाड़ू क्यों नहीं लगवा सकता। कोई सफाई के लिए है नहीं यहाँ से, जो निगम पार्षद थे अपने विपिन बिहारी सिंह कभी इन गलियों में नहीं आए। नाली भी बड़ी रहती, कीड़े भी पड़ते हैं, मच्छर भी बहुत हो जाते, इससे गंदगी है, ये हकीकत है। इस वक्त हम जिस वार्ड में हैं वो पटपड़गंज वार्ड है, 197 वार्ड नंबर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां से उप महापौर पूर्वी दिल्ली नगर निगम विपिन बिहारी जो थे वो आखिरी निगम पार्षद थे। लेकिन इलाके की हालत जो है वो अपने आप में कहानी बयान करती है। इस वक्त इलाके के कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनसे जानेंगे कि आखिर उनके वार्ड की समस्या क्या है और वो इससे कैसे निजात पाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अजीमुल्ला शमशी, मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ। लेकिन यहाँ की समस्या ये रही कि हमेशा जो है नालियाँ भरी रहती थी, नाली की कभी सफाई नहीं हो पाती थी और अभी भी नहीं हो पा रही है। और साथ साथ जहाँ देखो जहाँ तहाँ कूड़े पड़े रहते हैं। हमारा वार्ड 197 इस वक्त बहुत ही परेशानी के हाल से गुजर रहा है। मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द, अब इलेक्शन की डेट आ गई है, यहाँ इलेक्शन हो और नया निगम पार्षद चुन करके आए। और कोशिश ये रहेगी कि जो भी आए और हमारे यहाँ की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि बीजेपी ने तो पूरा ही पूरे दिल्ली का ही बेड़ा गर्क करके रखा। जहाँ था देखो कूड़े का ढेर पड़ा रहता था, साथ के साथ देखा जाए कूड़े का पहाड़ बना दिया दिल्ली को। अगरचे यहाँ समस्या है कि सफाई नहीं होगी तो बीमारियाँ फैलेंगी, बीमारी फैलेगी, नालियाँ भरी रहती हैं और कूड़े का ढेर है। दो तो सबसे मेन समस्या, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं कि जो निगम के स्कूल वगैरह जो अच्छे से नहीं चल रहे हैं, दिल्ली सरकार के अच्छे स्कूल चल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि सब कुछ को मिला जुला करके दिल्ली की हालत अच्छी हो और हमारे वार्ड की हालत अच्छी हो। आपको बता दें कि ये वार्ड 197 फ़िलहाल महिला वार्ड हो गया है और यहाँ से जो भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी वो महिला उम्मीदवार उतारेंगी। कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुनीता चौहान है। सुनीता जी, जिस तरीके से इलाके की परेशानी डॉक्टर साहब ने बताई, एज अ महिला सफाई के अलावा और क्या कुछ समस्या है? समस्याएं तो देखिए बहुत सारी हैं। यहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं जो आए दिन लोगों को काटते रहते हैं। अभी ताज़ा मैं बताऊंगी आपको, 2 लोगों की डेथ हो गई है जो बैलों ने मारे हैं, गाय ने मारे हैं। आवारा जानवर इस तरह घूम रहे हैं, एमसीडी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, निगम के स्कूल, आप 5वीं के बच्चे से देख लीजिए, उसको खागा तक नहीं आता है। जब बच्चे की नींव कमज़ोर हो जाएगी तो बच्चा क्या करेगा? गंदगी का आप देख रहे हैं आलम, आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो कितनी गंदगी यहाँ पर है। अगर कूड़ा निकाल भी देते हैं हफ्ते 10 दिन में तो उस कूड़े को नहीं उठाते। यहाँ छोटे छोटे घर हैं हमारे, दरवाजे बहुत छोटे हैं, उनके सामने कूड़ा रख जाते हैं, बच्चों के पैर सनते हैं स्कूल जाने में और वो कूड़ा दोबारा नाली में चला जाता है। नालियाँ ओवरफ्लो रहती हैं हमेशा। झाड़ू लगाने को इसलिए नहीं आता, बहाना बना देते कि छोटी गलियाँ हैं। जब छोटी गलियों में नेता वोट मांगने आ सकता है तो झाड़ू क्यों नहीं लगवा सकता? तो सवाल तो बहुत सारे हैं और मैं ये निवेदन करती हूँ सभी से कि इस बार कम से कम अब जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके बीच में रहकर काम करे। आप किसी नाम निशान किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आकर किसी निशान के गुलाम ना बने, इंसान को देखें जो आपके बीच में रहकर काम करे। जी, आपको बता दें कि अभी मैंने बताया था ये जो वार्ड है ये उप महापौर नहीं, महापौर, पूर्व महापौर विपिन बिहारी का वार्ड है, जो पहले यहाँ से निगम पार्षद थे। पिछले कितने बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद? सर, पिछले 15 सालों से यहाँ पर निगम के उसके भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं। तीनों बार से? जी, तीनों बार से। तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रौनक अली है। रौनक अली जी, ये बताइए कि जिस जैसी परेशानी इन्होंने बताई, डॉक्टर साहब ने बताई, और कुछ परेशानी समस्या वार्ड की जो लगता हो कि बड़ी परेशानी है और इसका समाधान होना चाहिए और एमसीडी ही उसका इलाज है, मतलब एमसीडी ही उसका समाधान करेगी? सबसे बड़ी परेशानी है जो कोई 5-10 गज 15 गज भी कोई लेंटर डाल रहा है, सबसे पहले जाके एमसीडी आके उससे उगाही करती है, जिसको लेंटर माफिया, लेंटर माफिया जिसको बोलते हैं। और आप निगम पार्षद के पास जाओ तो कहता मेरा से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी जो, अगर आप 10 गज का भी यहाँ लेंटर डालोगे झुग्गी में भी, उससे पहले भी एमसीडी वाले आ जाएंगे। जो और गांव में भी जाओगे, पटपड़ गांव में, तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है एमसीडी की, लेंटर माफिया।
उगाई, और दूसरा ये पूरी दिल्ली को उन्होंने कूड़ा बन बना रखा है, खत्ता बना रखा है, कोई सफाई के लिए है नहीं। यहाँ से जो निगम पार्षद थे अपने विपिन बिहारी सिंह कभी इन गलियों में नहीं आए, सिर्फ पहले वोट मांगने आए थे या फिर आप देखो आप घूम रहे हैं, परसों आए थे ढोल बजाते हुए पटपड़गंज रोड से गए बस। कुल मिला के इलाके के लोग यही कह रहे हैं कि जो पूर्व में निगम पार्षद रहे वो इलाके की समस्या के लिए तो कभी नहीं आए, लेकिन वोट मांगने जो है वो ज़रूर आए। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा देवी है, हम यहीं रहते हैं एसएस गार्डन में यहाँ पे। तो यहाँ ये बात तो सही है, क्या देखियो का नाम कूड़ा बहुत ही गंदगी, गलियों की सफाई वफाई हो रही नहीं है? हो रही है ना, कूड़ा उठ रहा है? नहीं उठ रहा है, दो दो दिन तीन दिन पड़ा रहता है, नहीं तो शिकायत करती है? शिकायत करते तो कौन सुनता है, हम आम आदमी कौन सुनेगा, हम तो मतलब पब्लिक है तो कौन सुनेगा। आम आदमी मतलब आम आदमी पार्टी से है, आम आदमी है? आम आदमी है जब बिल्कुल, हम आम हाँ पब्लिक में है, हम कोई आम आदमी नहीं है। तो ठीक है, बोलो आप देख ही रहे हो, और नहीं है कूड़ा पड़ा रहता है दो दिन दिन, हमारे काम घर के आगे भी पड़ी रहती है, बात हकीकत है, नाली भी बड़ी रहती है, कीड़े भी पड़ते हैं, मच्छर भी बहुत हो जाते हैं, इससे गंदगी है, ये हकीकत है, ये तो हम जानते हैं। ये जिस पार्क के अंदर हम खड़े हैं, हालांकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन कूड़ा उठाने का जो कार्य है वो MCD का है, और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से कूड़ा जो है यहाँ पर है, और वार्ड के अंदर सफाई जो है वो बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको 197 वार्ड की दिखा रहे हैं, जो पटपड़गंज वार्ड पटपड़गंज विधानसभा में आता है, और यहाँ से दो बड़े चेहरे जो हैं, चाहे वो दिल्ली को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ के विधायक हों, या पूर्व महापौर विपिन बिहारी सिंह यहाँ से निगम पार्षद हों, लेकिन इलाके की जो समस्या है, इलाके की जो परेशानी है, वो जू के तू बरकरार है, और लोगों की आस है, लोगों को उम्मीद है कि शायद अब की बार MCD के चुनाव में कुछ बदलाव होगा, और इलाके की जो समस्या है, इलाके की जो सफाई है, वो एक बार फिर से जो है, जो इलाके की समस्या है उनका समाधान होगा। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, News 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।